जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है भाई? अमजद खान। अमजद खान, आप वॉशरूम पब्लिक वॉशरूम में गए हो कभी? जी मैं एक मर्तबा गया हुआ था पब्लिक के वॉशरूम में। पब्लिक के वॉशरूम में अक्सर ये होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर जाते हो तो अजीब अजीब किस्म की बातें लिखी होती हैं। तो आप गए हो तो कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया? जी पेश आया हुआ है। जी क्या आया? जैसे ही मैं गया था ना तो उधर लिखा हुआ था, जैसे ही बाथरूम में लिखा था वक्त बचाओ, जोर लगाओ वक्त बचाओ ये लिखा हुआ था। तो इसे देख के अभी तक मुझे हंसी आ रही है कि ये काम हुआ है, जोर लगाओ वक्त बजाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है खान भाई? मोहम्मद नमान माविया। मोहम्मद भाई कहाँ से आए हो आप? हम लोग बल्दिया टाउन से आए। बल्दिया टाउन से आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ साहिल समंदर पे? बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है, मौसम भी अच्छा है, समंदर भी छड़ा हुआ है माशाल्लाह। नमन भाई, हमारा टॉपिक चल रहा है कि पब्लिक टॉयलेट में अगर आप जाते हो तो अजीब अजीब किस्म की बातें लिखी होती हैं, होनी नहीं चाहिए लेकिन लिखी हुई होती हैं। तो आप कभी पब्लिक टॉयलेट में गए हो? जी मैं बिल्कुल गया हूँ। तो उसमें कोई ऐसी अजीब बात लिखी हुई थी आपको याद है? अजीब बात ये लिखी हुई थी, एक दफ़ा हम गए एक टॉयलेट पे तो वहाँ सामने लिखा हुआ था कि पीछे देखो। हम पीछे देखे तो कहाँ, दाएं देखो। हमने दाएं देखा तो उसने कहा बाएं देखो। हमने जब बाएं देखा तो लिखा हुआ था क्या, आगे पीछे देखो, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, आगे पीछे नहीं देखो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? यासिर खान। यासिर भाई कहाँ से हो आप? मैं कराची से। कराची में कौन सी जगह से आए? चाकर होटल। चाकर होटल गुलशन म्यांमार से आए हो। और क्या कहेंगे, आज हमारा टॉपिक चल रहा है कि पब्लिक टॉयलेट के अंदर जो बातें लिखी होती हैं अजीब अजीब सी, कभी आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया? जी हाँ पेश आया। क्या हुआ था? लिखा हुआ था लोग चांद पे चढ़ गए, तू अभी तक इधर बैठा हुआ है। आपको हंसी आई? बहुत हंसी। अभी तक याद करके हंसते हो? हाँ। यहाँ पे सुना है आप एक तस्वीर के बजाय बोलते हो लोगों के कि हम 10-12-15 निकाल लेते हो, फिर ब्लैकमेल करते हो लोगों को। एक अंग्रेज जो आया था वो बड़ी वायरल हुई थी उसकी तस्वीर। वो तो उसका अपना काम है ना, तस्वीर नहीं बना है, वो खाली घोड़े पे बैठा हुआ था। याद देना उसको, हम पहले बनाते उसको ले जाते। अभी तुम तो मेरे साथ ये कर रहे थे जब इसके तार के बीच में से गुजर रहे थे, मजाक करते है ना, ये मजाक है ना। अगर ये मीडिया नहीं होता, अभी आपके सामने कैमरा नहीं आता तो आप यहाँ से मेरे गले पड़ जाते और 10-15 बंदे बुला लेते, दलदरा करते। मजाक करते हो सारे भाई, पक्की बात है। क्या नाम है बेटा? इस्माइल। इस्माइल कहाँ से हो? मैं यानी डिफेंस से। डिफेंस से आए इस्माइल, मुझे ये बताइएगा कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है कि वॉशरूम जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उसके अंदर जब आप जाते हैं तो एक अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई होती हैं कि ऐसा नहीं हो, वैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके साथ कभी हुई हैं या ऐसे होने चाहिए नहीं होना चाहिए? एक बार हुई थी, कोई बेडवर्ड लिखे हुए थे वॉशरूम में, तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बुरा लगता है। जी क्योंकि जो ये मैसेज जाता है बहुत बुरा मैसेज जाता है दुनिया का, अगर कोई अदर कंट्री का बंदा आके इस वॉशरूम यूज़ करेगा तो वो मैसेज बहुत गलत जाएगा। जी आपका ये कहने का मतलब है? जी तो होना नहीं चाहिए। जी आपको बुरा फील हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि अगर कोई बच्चा यूज़ करता है तो उसके वो देखेगा और उसके दिमाग को असर पड़ेगा कि इतनी सारी गालियाँ को लोग लिखते हैं, तो ऐसे वगैरह होना नहीं चाहिए। जी क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों के कि ऐसा नहीं करें? ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जिम्मेदारी से शहरी होने का सबूत दें। जी सुनी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके आगाह कीजिएगा कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। कैमरामैन रियाज अली के साथ वलीम अहमद खास के लिए फिलहाल न्यूज़ कराची।